तो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ऑन प्रॉप कैंटिलीवर। तो ये हमारे पास सामने प्रॉप कैंटिलीवर का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या हमको डिटरमाइन क्या करना है, प्रॉप रिएक्शन पी डिटरमाइन करनी है और क्या SFD और BMD बनाना है इस कैंटिलीवर बीम के लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पी, ये प्रॉप लगा हुआ है और ये 20 kN का लोडिंग है इसके ऊपर। और अब हमको क्या करना क्या है इसमें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमको इस बी पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन निकालना है ड्यू टू दिस 20 kN लोड। तो हमको पहले प्रॉप को कंसिडर नहीं करना, प्रॉप को हटा दो और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की मदद से आपको बी पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो वो स्लोप डिफ्लेक्शन क्या होता है, बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे नियर द लेफ्ट सपोर्ट क्या करना है, आपको एक सेक्शन मानना है एक्स डिस्टेंस पे और इस सेक्शन के अबाउट आपको मोमेंट लेना है। तो इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट क्या हुआ, MXX इज इक्वल टू, अब राइट साइड मोमेंट ले रहे हैं हम। तो इसमें कौन सा लोडिंग है, 20 kN सिर्फ एक ही लोडिंग है। तो हमको देखना है कि ये हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सेक्शन के अगर राइट में क्लॉकवाइज मोमेंट है तो वो नेगेटिव लेना है हमें। तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको, तो नेगेटिव लिखना, नेगेटिव 20 इंटू, अब डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस ये वाली होगी। अब ये टोटल बीम 4 मीटर का है और ये एक्स है और ये 2 मीटर है। तो ये x में से 2 मीटर मैं माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास। तो वही करना है हमको, 20 × x − 2। फिर हमको क्या करना है, इसके अबाउट इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने पे हमको क्या मिलेगा, थीटा। थीटा क्या है, स्लोप डॉट ei इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ −20 × x − 2 dx। अब थीटा ei की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको तो क्या होगा, 20 × x − 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये होता है ना इंटीग्रेशन में, ये वाली टर्म का स्क्वायर अपॉन जो पावर है वही, मतलब 1 है तो 1 + 1 अपॉन वही नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो x − 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बेसिक इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट c1, कॉन्स्टेंट लगाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर हमको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होती है बाउंड्री कंडीशन, इस पॉइंट पे थीटा भी मैक्स होता है और वाई भी मैक्स होता है और इस पॉइंट के ऊपर थीटा जीरो होता है और डिफ्लेक्शन हमारा दोनों जीरो होते हैं। तो हमको x इज इक्वल टू 4 रखना है। अब x इज इक्वल टू 4 रखा था, हम कहाँ, यहाँ पे पहुँच गए इस सपोर्ट पे। तो यहाँ पे हमारा स्लोप जीरो होती है तो वही इस इक्वेशन में रखनी है। तो x इज इक्वल टू 4 तो थीटा जीरो, तो ये जीरो रखी इज इक्वल टू वैल्यू रख देना x की, −20 × 4 − 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1, इससे c1 की वैल्यू आएगी +40। अब हमको इसमें c1 की वैल्यू देना +40। फिर हमको इस इक्वेशन को वापस इंटीग्रेट करेंगे, वापस इंटीग्रेट करने पे हमको मिलेगा डिफ्लेक्शन। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, थीटा डॉट ई इज इक्वल टू हमको मिलेगा इस बार डिफ्लेक्शन। तो वाई डॉट ई, वाई क्या, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, अभी इंटीग्रेट करने के बाद क्या आंसर आएगा, −20 × x − 2 का होल क्यूब। अब ये स्क्वायर है, होल क्यूब बन जाएगा, अपॉन 3 आएगा और यहाँ 2 पहले से देता हूँ, 2 × 3 प्लस c1 × x प्लस c2 अनदर कॉन्स्टेंट। अब हमको निकालनी c2 की वैल्यू, c1 निकाल चुका हम, c2 की निकालनी। c2 कैसे निकालेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब हम सपोर्ट के पास में लेफ्ट सपोर्ट के, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो जीरो रखने पे जीरो इज इक्वल टू −20 × 4 − 2 का होल क्यूब अपॉन 6 प्लस 40 × 4 प्लस c2। ये c2 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, −133.33। अब हमें क्या करना है, ये उस स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के हमें इसको c1 c2 दोनों की वैल्यू रखनी है। तो y डॉट ये इज इक्वल टू −10/3 × x − 2 का होल क्यूब प्लस 40 × x −133.33। ये c2 की वैल्यू हमारी, हमको क्या करना है। अब हमारा मेन एम क्या है, मैंने बताया था b पॉइंट पे हमको इस लोडिंग के कारण डिफ्लेक्शन निकालना, मतलब y एट b निकालना है। तो y एट b इसमें बस x की वैल्यू रख दो, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, जो x हमने माना, मतलब ये है x माना हमने, जैसे ये यहाँ इस पॉइंट से इस सेक्शन तक x डिस्टेंस हो, इस पॉइंट पे x क्या होगा, जीरो होगा। तो वही करना है, इस पॉइंट पे x जीरो रखने पे, x इज इक्वल टू जीरो पे डिफ्लेक्शन एट b आ जाएगा। तो वाई बी डॉट ई इज इक्वल टू −10/3 × 0 − 2 का होल क्यूब प्लस जीरो, क्योंकि 40 × 0 = 0 −133.33। अब हमको इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो उस पूरी टर्म को जीरो कंसिडर करना है। जैसे अब यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो रखने पे −2 आया, तो इस पूरी टर्म को जीरो कर दो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी प्लस जीरो और −133.33। तो वाई बी डॉट ई वैल्यू आएगी −133.33। तो yb की वैल्यू आएगी −133.33 अपॉन ei। अब हमको करना क्या है कि हमने निकाल लिया इस लोडिंग के कारण इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन। अब प्रॉप क्या करता है, ये
ये कुछ बीम इस तरह बेंड होगा, कुछ इस तरह नीचे झुकेगा। अब प्रॉप क्या करता है, ये जितना डिफ्लेक्ट हुआ उसको वापस उस पोजीशन पे ले आता है। मतलब अब अगर मान लो ये 20 किलोन्यूटन लोडिंग है तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर प्रॉप लगा दिया तो ये वापस कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमको वही करना है कि प्रॉप क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि डिफ्लेक्शन को हम जीरो कर सके। तो डिफ्लेक्शन जीरो कैसे कर सकेंगे, तो हमको मालूम है इतना डिफ्लेक्शन पॉइंट बी पे आया तो उसी पॉइंट पे प्रॉप क्या डिफ्लेक्शन देगा। डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड क्या होता है हमारे पास, पी इंटू एल क्यू अपॉन 3i। तो हमको इस प्रॉप के कारण मतलब कितना ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन आएगा वो निकालना है। तो एल यहाँ पे क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ द बीम होगी। तो टोटल लेंथ ऑफ द बीम क्या है, इस पॉइंट तक क्या आएगी, 4 होगी, क्योंकि यहाँ प्रॉप यहाँ लग रहा, तो 2+2 तो 4। तो हमें वही करना है, पी एल क्यूब अपॉन 3i, पॉइंट लोड के कारण डिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला है, तो इज इक्वल टू पी इंटू 4³ अपॉन 3i। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है, क्योंकि हमको उस बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो चाहिए। तो वाई बी इज इक्वल टू वाई पी करने पे पी आएगा हमारा 2.083। अब ये पी आ गई हमारे पास, अब हमको बनाना है SFD और BMD। अब SFD और BMD कैसे बनेंगे, सबसे पहले आप ये ऐसे बीम ड्रॉ कर दो, उसके बाद ऐसे डैश डैश लाइन कर दो, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन यहाँ दोनों जगह खींच दी। अब SFD पहले बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको रिएक्शन एट ए चाहिएगी। अब रिएक्शन एट ए कैसे निकलेगी, तो रिएक्शन एट ए कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमको क्या देखना है, टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन जीरो करना, मतलब समेशन ऑफ एफ वाई जीरो करना है। तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव ले लो और डाउनवर्ड नेगेटिव ले लो, तो क्या करना पड़ेगा हमको, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेने पर मतलब अपवर्ड कौन कौन से, आर ए और प्लस आर बी, और डाउनवर्ड हमारे सॉरी आर बी नहीं है, ये प्रॉप है पी, तो ये 20। अब पी की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो आर ए की वैल्यू क्या आएगी, 17.917 आएगी किलो न्यूटन, वही है 17.917 किलो न्यूटन। यहाँ पे जीरो है, इसको 17.917 से ऊपर उठा दो। उसके बाद यहाँ पे कोई बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो ये कांस्टेंट चलेगा, शियर फोर्स डायग्राम शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा। और इस पॉइंट पे आने पे ये देखो, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ लग रहा था, ये क्या है ऊपर की तरफ लग रहा है, 17.917 ऊपर की तरफ है, अब ये नीचे की तरफ है, तो इसमें ये माइनस कर देंगे 20। तो 17.917 में 20 माइनस किया तो कितना आएगा, माइनस का 2.083, तो मतलब हम नीचे तरफ आ गए, तो ये यहाँ से नीचे आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो कांस्टेंट रहेगा, और हमको मालूम है हमारे बी पॉइंट पे हमने क्या वैल्यू निकाली शियर फोर्स की, 2.083, वही प्रॉप की वैल्यू। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, उसमें क्या करना है, हमको हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेना है। बेंडिंग मोमेंट लेने के लिए क्या करेंगे हम, अगर इस पॉइंट पे लेना हो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट लेने के लिए, इस पॉइंट पे हमारा कोई ये ऐसा पेन रख देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कितनी राइट साइड मोमेंट लेंगे सारे हम, तो राइट साइड में हमारा 20 है, तो 20। अब ये देखिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से, अगर सेक्शन के राइट में है तो नेगेटिव लेना है, तो सेक्शन के राइट में तो ये नेगेटिव होगा, तो -20 × 2, और ये बी वाला, तो ये बी वाला कितना है 2.083, 2.083 मल्टीप्लाई बाय 4, ये प्लस का रहेगा, तो दोनों का आंसर क्या निकलेगा, 31.688 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद इस पॉइंट पे आ गया, ये माइनस में आएगा तो ये नेगेटिव नीचे की तरफ। उसके बाद हमको क्या देखना है कि तो इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट ऐसे पेन रखा, यहाँ तो राइट साइड का लो या लेफ्ट साइड करो, हम राइट साइड लेंगे, तो ये राइट साइड में एक ही है पी, पी इंटू 2 कर देना है, ये 2 डिस्टेंस है, तो पी क्या है हमारा 2.083 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 4.166। उसके बाद हमको मालूम है एट द फ्री एंड पे क्या जीरो होता है मोमेंट, तो बस कुछ भी नहीं, और यहाँ पे कोई बीच में कोई UDL वगैरह नहीं है, तो सिंपली ऐसे इंक्लाइन लाइन आएगी और ये इंक्लाइन लाइन जुड़ जाएगी, ये होगा हमारा BMD। तो ये था क्वेश्चन प्रॉप्ड कैंटिलीवर के ऊपर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि नहीं क्या समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू।